दोस्तों नमस्कार। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि कई बार लीगल नोटिस की वजह से भी चेक बाउंस का केस डिसमिस हो सकता है, यानी कि कंप्लेनेंट को उसका नुकसान हो सकता है। लेकिन अब आप पूछेंगे कि लीगल नोटिस की वजह से कैसे नुकसान होता है, कैसे केस डिसमिस हो जाता है। तो यहाँ मैं आपको बताऊँ कि अगर लीगल नोटिस प्रॉपर तरीके से नहीं बनाया गया है, उसमें जो असेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं वो पूरे के पूरे नहीं दिए गए हैं, तो जो अक्यूज पक्ष है वो इसका फ़ायदा उठा सकता है और जो केस डिसमिस करने की एप्लीकेशन लगा सकता है, या जो समनिंग ऑर्डर हैं उनको क्वाश कराने की एप्लीकेशन अपर हाई कोर्ट में लगा सकता है। तो दोस्तों क्या क्या चीज़ होनी चाहिए लीगल नोटिस में, ताकि जो है एक परफेक्ट लीगल नोटिस बने, जिसे हम डिमांड नोटिस भी कहते हैं। चेक बाउंस के केसेस में जो भेजना मैंडेटरी है कंप्लेनेंट के लिए, यानी कि जब चेक बाउंस होता है तो उसके एक महीने के अंदर अंदर कंप्लेनेंट को अक्यूज्ड के लिए एक लीगल नोटिस भेजना अनिवार्य है डिमांड नोटिस के तौर पर, और उसमें पूरी की पूरी पेमेंट वापस मांगी जाती है। और अगर उस लीगल नोटिस का कोई जवाब नहीं आता तो तब जो है अवधि ख़त्म होने के बाद केस फाइल किया जा सकता है कोर्ट में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक लेटेस्ट जजमेंट भी बताऊंगा, जहां पर कंप्लेनेंट का जो केस है वो इस वजह से डिसमिस हो गया, क्योंकि जो लीगल नोटिस था वो फॉल्टी था, यानी कि वो डिफेक्टिव था, और जो सेक्शन 138 के इंग्रेडिएंट्स थे वो वहाँ पर फुलफिल नहीं हो रहे थे। क्या उसमें जो है उसके फैक्ट्स हैं वो मैं वीडियो में आगे चलकर बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं कि लीगल नोटिस में चेक बाउंस के क्या क्या चीज़ें मेंशन करना ज़रूरी है, और अगर उनमें से कोई एक चीज़ भी छूट जाती है तो तब लीगल नोटिस डिफेक्टिव हो सकता है, फॉल्टी हो सकता है, और तब जो है कंप्लेनेंट का केस जो है डिसमिस हो सकता है कोर्ट में। तो दोस्तों वन बाय वन मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि लीगल नोटिस में क्या क्या इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करना ज़रूरी है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो अपने मित्रों में, अपने ग्रुप्स में उसको शेयर ज़रूर करें और वीडियोस को लाइक भी कर दें। तो दोस्तों बात कर रहे हैं हम लीगल नोटिस की, जो बहुत महत्वपूर्ण होता है चेक बाउंस के केस में। तो इसमें क्या क्या पर्टिकुलर्स देने ज़रूरी हैं, सबसे पहले नेम एंड एड्रेस ऑफ द ड्रॉअर ऑफ द चेक, यानी कि जिस व्यक्ति ने चेक जारी किया था, जिसका चेक बाउंस हो गया है, उसका पूरा नाम और पता लीगल नोटिस में देना ज़रूरी है। दूसरा इसमें जो पॉइंट है जो ऐड करना ज़रूरी है वो है कि जो पेई है, यानी कि जिसको चेक दिया गया था और जिसने अपने खाते में लगाया वो चेक बाउंस हो गया है, उसको पेई कहेंगे यहाँ पर, और उसका नाम और पूरा एड्रेस लीगल नोटिस में देना ज़रूरी है। तीसरी इसमें इंफॉर्मेशन जो है वो ये है कि इंफॉर्मेशन ऑफ द चेक प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट, यानी कि चेक का पूरा हवाला, पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर देनी ज़रूरी है, जिसे बैंक में प्रेजेंट किया था लेकिन किसी वजह से वो बाउंस हो गया, तो उस चेक की डिटेल्स भी देना ज़रूरी है। और इसके साथ चेक का नंबर ये देना ज़रूरी है, डेट किस डेट का था, कितने अमाउंट का था, ये बहुत ही असेंशियल इंफॉर्मेशन है जो लीगल नोटिस में दी जानी चाहिए। इसके अलावा चेक कब वापस आया बाउंस होकर, यानी कि बैंक से कब रिसीव किया गया पेई के द्वारा, ये डेट देना ज़रूरी है। और इसके अलावा किस वजह से चेक बाउंस हुआ, यानी कि उसका रीज़न क्या था, इनसफिशिएंट फंड्स या पेमेंट स्टॉप्ड बाय ड्रॉअर या अकाउंट क्लोज्ड या कोई और रीज़न है, वो रीज़न भी चेक बाउंस के नोटिस में देना ज़रूरी है। और इसके अलावा
जो चेक की अमाउंट की राशि है वो बतानी बहुत ही जरूरी है। और बीच में आप ये भी डाल सकते हैं कि जो चेक दिया गया था वो किसी लीगल लायबिलिटी को उतारने के लिए दिया गया था, वो लीगल लायबिलिटी क्या थी, मतलब है कैसे जो है कंप्लेनेंट ने पैसे उधार दिए थे या कोई सामान दिया था जिसकी पेमेंट की एवज में चेक दिया गया जो बाउंस हो गया, ये चीज़ भी यहाँ पर बतानी जरूरी है। और इसके साथ एक रिक्वेस्ट ये भी करनी होती है कि आप जो है इस नोटिस के मिलने के 15 दिन के बाद आप पूरे अमाउंट की राशि जो है वो उसका भुगतान करें, ताकि जो है केस आगे फाइल ना किया जाए। और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण लास्ट पॉइंट है कि जो रेफरेंस है सेक्शन 138 का वो देना यहाँ पे बहुत है जरूरी है, क्योंकि जो लीगल नोटिस आप दे रहे हैं वो सेक्शन 138 के तहत ही दिया जाता है। और कई बार गलती से अगर सेक्शन 138 का मेंशन इसमें नहीं किया गया तो चेक वो इन जो लीगल नोटिस है वो इनवैलिड हो सकता है, और इससे कंप्लेनेंट का केस डिसमिस होने की संभावना बनती है। ये बात हुई कि एक परफेक्ट लीगल नोटिस कैसे ड्राफ्ट किया जाए, कैसे राइट किया जाए, और उसको क्या जो अक्यूज को भेजा जाए ताकि उसमें कोई भी जो है उसमें डिफेक्ट ना हो, कोई भी डिसमिसल की गुंजाइश ना हो, वो पूरे के पूरे पर्टिकुलर्स कंप्लीट होने चाहिए। और अब मैं इसी टॉपिक पर माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत ही लेटेस्ट जजमेंट आई है जिसके बाद मैंने ये वीडियो बनाई। इसमें जो कंप्लेनेंट थे उनको उनका लीगल नोटिस जो है क्लियर नहीं था, यानी कि फॉल्टी था, जिसकी वजह से उनका केस डिसमिस हो गया। इसमें आप नोट कर सकते हैं इसका रेफरेंस स्पेशल पिटीशन क्रिमिनल नंबर 9062 है, 2023 की, केस का टाइटल है उपासना सिंह वर्सेस ट्रैक टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि उपासना सिंह जो पिटिशनर है यहाँ पर, ये अक्यूज थी उस केस में चेक बाउंस के, और जो ट्रैक टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पर कंप्लेनेंट थे। लेकिन यहाँ पर गलती क्या हुई कि जो चेक बाउंस का लीगल नोटिस भेजा गया कंपनी के द्वारा अक्यूज्ड को, उसमें जो चेक अमाउंट था वो एग्जैक्ट नहीं दिया गया, यानी कि 3,25,000 रुपये का चेक अमाउंट था, लेकिन जो राशि डिमांड की गई डबल अमाउंट की वो 6,50,000 रुपये उसमें मेंशन की गई। इसके अलावा डैमेजेस लिटिगेशन चार्जेस वो अलग से डिमांड की गई। तो यहाँ पर जो अक्यूज थे उन्होंने माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में केस फाइल किया कि जो लीगल नोटिस है वो सेक्शन 138 के इंग्रेडिएंट्स को फुलफिल नहीं करता, क्योंकि जो चेक अमाउंट की राशि है वो नहीं दिखाई गई है, बल्कि डबल अमाउंट की राशि जो है दिखाई गई है लीगल नोटिस में। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में जो अक्यूज का केस था वो डिसमिस हो गया। फिर ये मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट इसमें दिया है, और ये कहा है कि जो लीगल नोटिस है उसमें अलग अलग हेड्स में, यानी कि जो अमाउंट है, जैसे मान लीजिए 3,25,000 रुपये का चेक है और डबल राशि 3,25,000 रुपये वो अलग से मेंशन की जाए, मान ले 50,000 रुपये कंपनसेशन है मेंटल एग्नी के लिए, या मान लीजिए 2,500 रुपये नोटिस की फीस है, तो ये सेपरेट सेपरेट सभी को दिखाना जरूरी है। वो उसका एक ओमनीबस अमाउंट बनाना नहीं चाहिए जिससे जो है केस डिसमिस हो जाता है। आप चेक बाउंस के लीगल नोटिस में कितना भी चाहे कॉम्पनसेशन मांग सकते हैं, डबल अमाउंट की राशि मांग सकते हैं, लिटिगेशन चार्जेस मांग सकते हैं, और जो भी आपको जो है एक्सपेंसेस मांगने हैं वो उसमें डिमांड कर सकते हैं। लेकिन
वो सभी जो है सेपरेट सेपरेट होने चाहिए, एक ओमनीबस अमाउंट नहीं होना चाहिए। यानी कि जो अलग अलग हेड्स में उनका बताना ज़रूरी है कि चेक अमाउंट कितने का था और बाकी के जो अमाउंट्स हैं डिमांड्स हैं वो कितने कितने की हैं। लेकिन इस केस में एक होलसम अमाउंट दिया गया और इस जो है गलती के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो केस था कंप्लेनेंट का वो खारिज कर दिया और जो समनिंग हुई थी अक्यूज्ड की इस केस में वो जो है क्वाश कर दी। तो दोस्तों यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि लीगल नोटिस बहुत ही परफेक्ट होना चाहिए और वो सेक्शन 138 की इंग्रेडिएंट्स हैं उनको फुलफिल करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ केस की लेटर स्टेज में अगर कोई फॉल्ट सामने आता है तो कंप्लेनेंट का केस खारिज हो सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, अब मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। हैव ए वेरी नाइस डे। टाटा बाय बाय। टेक केयर।